असम में बाल विवाह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जहां सीएम हिमंत बिस्वा उन लोगों को कतई बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे जो बच्चों को शादी के जाल में फंसाते हैं। लेकिन हिमंता के इस एक्शन पर AIMIM नेता ओवैसी ने तगड़ा हमला बोला है। ओवैसी की यह प्रतिक्रिया असम सरकार के उस फैसले के बाद सामने आई है, जिसमें 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। और इसी पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा, जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? आपने 4000 मामले दर्ज किए, आप नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है। उन्होंने ऊपरी असम में भूमिहीन लोगों को जमीन दी, लेकिन निचले असम में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? बहरहाल ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।